और श्रीलजीव गोस्वामी का परिक्रम को लेकर के भगवान इसी जगत में आते हैं। और महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने एक एक भक्तों के द्वारा एक एक भाव को और एक एक इनको जो इच्छाओं को उन्होंने एक एक भक्तों के माध्यम में स्थापन किया है, हैं? इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या स्थापन किया, बोले रस तत्व को उन्होंने स्थापन किया है। कानल जाए चित्त जले, इसलिए इनको द्वारा उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो सिद्धांत है थोड़ा तत्व दर्शन है, थोड़ा कठिन है, इसलिए कहते भैया इसलिए इसके लिए अलसता मत क्या करो। हरे कृष्ण कौन है सब सिद्धांत विद्यांत को दिमाग में घुसाते यार, केवल हरि नाम कर, हरे कृष्ण वैसे जरूरत नहीं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब तक हमारी सिद्धांत पक्का नहीं होगा ना, कृष्ण के चरण में हमारी जो चित्त है दृढ़ता पूर्वक नहीं लगेगा। जैसे हम भजन करते हैं महाप्रभु को, अगर कोई आकर के बोले कहा प्रमाण है भगवान महाप्रभु भगवान कहते हैं, और है अभी जैसे उड़ीसा में शारद विवाह के भगवान बोल रहे थे कुछ लोग है, और बाल कृष्ण को कोई भगवान कहते, राम कृष्ण को कोई भगवान, तुम भी ऐसे एक भगवान निकाल दिया है। बस अगर कोई बोल देगा ना, बस हमारे बुद्ध के बुद्ध अगर महाप्रभु के बारे में सिद्धांत के बारे में पता नहीं होगा ना, सही तो बता है। अगर कोई सहज ही आकर के बोलेगा जो लाल कपड़ कहाँ से ले आए, सबके सब गोस्वामी लोग लाल कपड़ था नहीं, तुम सब लाल कपड़ कहाँ से ले आए, सब गुरु परंपरा तुम्हारी ठीक नहीं, अगर उल्टा पुलटा कुछ बोल देना झट हमारे दिमाग बदल जाएगा। अगर हम लोग को सिद्धांत नहीं जाने होंगे, अगर उनकी बात को खंडन नहीं कर पाएंगे तो हमें तो सही होता है, क्या होगा, हम अपना संप्रदाय छोड़ कर उसमें घुस जाएंगे। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्त ना करो अलस, उसमें अलसता मत करो, क्योंकि जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, जिसको द्वारा भगवान के चरण में तुम्हारी जो चित्त प्रति दृढ़ पूर्वक लगेगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे जब तक तुम संप्रदाय का विचार को नहीं समझोगे, हमारी गौड़ीय सिद्धांत को नहीं समझोगे, तुम्हारी भजन पक्का नहीं। बामन गोस्वामी महाराज भी कहते थे जब तुम्हारी भजन भजन पक्का नहीं, टमाटर तुम्हारी बुद्धि, तो किस समय भी तुम्हारी बुद्धि क्या होगा, बदल जाएगी, बदल करके फिर तुम्हारी बुद्धि और कहीं लग जाएगी। इसलिए कहते श्री जो जीव गोस्वामी है हमारी संप्रदाय का ये सिद्धांत का ये आचार्य है, इन्होंने सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया, कितने सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित करके हमारे गौड़ीय विचार को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से स्थापन किया है। इसलिए इनका नाम श्री महाप्रभु ने दिया श्री जीव। क्या नाम रखा, जीव। बोले जीव मतलब क्या है, बोले जीव मतलब वृंदावन, पीछे बात मतलब पीछे आगे आकर बैठो, वहां पीछे क्यों बैठे हो, आगे अगर बैठो। इसलिए कहते श्री इनका नाम श्री जीव है, बोले इनका नाम जीव क्यों दिया है, कहते जीव का तीन चार अर्थ होता है, कहते जीव यति इति जीव है, कहते जो जीवन को जीवन दान करता है, है? जीव को जो जीवन दान करता है वो जीव है। कहते जीव का और क्या अर्थ है, बोले जीव कहते पालन पोषण है, तो जाओ जीव मतलब होता है जो हमें पालन करे और जो हमें पोषण करे, इसका मतलब भी होता है जीव। कहते उन्होंने किया हमें जीवन दिया, जीव गोस्वामी जीवन क्या दिया है, और जीव गोस्वामी हमें पालन पोषण किस चीज किया है, बोले भक्ति को द्वारा, प्रेम को द्वारा, सिद्धांत को द्वारा उन्होंने हमें भरण पोषण कर रहे हैं, और जो जीवन दिया है सिद्धांत को द्वारा ही उन्होंने हमें जीवन प्रदान किया। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने है कहते उन्होंने 60 संदर्भ लिखा, क्या लिखा, कहते उन्होंने 60 संदर्भ लिखा। इसलिए इसको उदाहरण देते हैं, कहते ये भागवत क्या है, कहते जो भागवत एक महल है, सुंदर एक महल ये भागवत, लेकिन अगर ये भागवत में प्रवेश करना तो उन्होंने दर्जा चाहिए ना, दर्जा हो तभी तो उसका अंदर में प्रवेश कर सकते हो, अगर दर्जा नहीं हो तो कैसे प्रवेश करोगे।
इसलिए कहते हैं जो सठ संदर्भ है ये दरवाजा है, इसलिए सठ संदर्भ को हमें धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। कहते ये दरवाजा है, इसका मतलब है अगर ये सठ संदर्भ को भगवत में भी प्रवेश नहीं कर सकते। परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, ब्रह्मा क्या है, ये सब तत्व उन्होंने ये संदर्भ में उन्होंने अच्छे तरह से उन्होंने स्थापन किया है, इसलिए स्थापन किया है। इसलिए उन्होंने और एक उदाहरण दिया है, कदी जो भागवत है ये भागवत क्या है, कदी ये एक रस का, ये एक रस का सरोवर है, एक रस सरोवर ये भागवत है। लेकिन ये भागवत रस सरोवर है, लेकिन कभी कभी क्या होता था उसमें गंदी गंदी नालियां आकर के ना उसमें मिल जाते हैं, मिल जाने पर क्या होगा, फिर वो जो सरोवर है वो गंदा हो जाएगा, है गंदा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, चारी तरफ उन्होंने प्राचीर लगवाया, उसको चारी तरफ उन्होंने प्राचीर लगा दिया, जैसे उसको अंदर में कोई गंदा नाली आकर के जैसे उसको खराब नहीं करते है। इसलिए उन्होंने जो सठ संदर्भ रूपी चारी तरफ में उन्होंने एकदम दृढ़ प्राचीर लगा दिया है, प्राचीर लगा करके उसका अंदर में जैसे कोई गंदी चीज प्रवेश नहीं कर सकी। इसलिए उन्होंने ये सठ संदर्भ को उन्होंने रचना की है। इसलिए जो सठ संदर्भ है उसमें कौन सा संदर्भ है, गत एक है तत्व संदर्भ है, एक भगवत संदर्भ है, एक परमात्मा संदर्भ है और एक कृष्ण संदर्भ। कहते जैसे एक संबंध तत्व, एक अविधय और एक प्रयोजन, तीन तत्व है, संबंध अविधय और प्रयोजन, तीन तत्व। पूरे जितने सारे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे सारे ग्रंथ में हमें तीन ही चीज मिलेगा। तीन चीज क्या मिलेगा, पहला चीज तो मिलेगा भगवान से हमारे क्या संबंध है, दूसरा चीज क्या मिलेगा, कहते हमें भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए उपाय किया, अभिधेय मतलब था प्रोसेस है, उसको अभिधेय किया है, है? और तीसरी चीज क्या मिलेगी, कहते हमारे जीवन का लक्ष्य किया है। जितने सारे शास्त्र हम पढ़ेंगे हमें यही तीन चीजें मिलेगा, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। इसलिए उन्होंने क्या किया, यही तीन चीज को ये सठ संदर्भ में उन्होंने यही तीन चीज को ही उन्होंने स्थापन किया है, है? इसलिए कहते चार ही संदर्भ में उन्होंने संबंध तत्व को स्थापन किया, चार संदर्भ में, और एक संदर्भ में कृष्ण संदर्भ में उन्होंने उन्होंने अभिधेय तत्व को उन्होंने स्थापन किया है। कहते जो प्रीति संदर्भ में भक्ति संदर्भ में, कहते भक्ति संदर्भ में उन्होंने अभिधेय तत्व को स्थापन किया, और उन्होंने जो प्रयोजन तत्व उन्होंने प्रीति संदर्भ में स्थापन किया। लेकिन उन्होंने चार ही संदर्भ में उन्होंने संबंध तत्व को स्थापन किया, चार ही संदर्भ में। बोले क्यों, कारण किया, जैसे कहते जैसे हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, अगर उसका नींव अगर अच्छा नहीं होना अरे वो बिल्डिंग बन नहीं सकती। नींव अगर डामाडोल सा हो, अगर उसको अगर दो तीन चार चप्पलों हम उठा देंगे क्या होगा, धस जाएगा, फिर वो धस जाएगी। इसलिए उसका नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने चार ही संदर्भ में उन्होंने प्रयत्न किया है, जैसे संबंध तत्व कैसे अच्छे तरह से उसमें स्थापन करें, है संबंध तत्व। इसलिए हमारे संबंध कौन है, केवल संबंध जगन्नाथ कृष्ण ही हमारे संबंध है, और कोई किसको साथ में हमारे संबंध नहीं है। इसलिए ब्रह्म को साथ में नहीं, परमात्मा को साथ में नहीं, किसको साथ में हमारे संबंध है, केवल श्री कृष्ण को साथ में ही हमारी संबंध है। इसलिए ये चार ही संदर्भ में उन्होंने उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने जो बदंती तत्व तत्व जज ज्ञान मंदोयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। इसलिए उन्होंने बताया ये ब्रह्म है क्या चीज, ये परमात्मा कौन और कृष्ण कौन है, है? इसलिए जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पस्य तनुवा, जिसको ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते हैं वो क्या है, बोले भगवान की ये अंग का प्रकाश, अंग का ये ज्योति ही ये कौन है, कहते ये ब्रह्म है, कहते ये ब्रह्म है, कहते ये परमात्मा कौन है, है? कहते भगवान की ये प्रकाश है, वैभव है। लेकिन जिसको कृष्ण कौन है, कहते सड़ैश्वर्यपूर्ण है, जो कृष्ण ये सड़ैश्वर्यपूर्ण पूर्ण जो भगवान है ये कौन है, ये कृष्ण है।
ही है, इसलिए हमारे ब्रह्म को परमात्मा साथ में हमारे संबंध नहीं, हमारे संबंध केवल कृष्ण के साथ में हमारी संबंध है। और जो जो उन्होंने जो भक्ति संदर्भ में उन्होंने ये दिखाया भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, केवल भक्ति। इसलिए न साधारण मा योग बोलो सुभाग जोर से बोलो, न साधयत माम योग न सांख्य धर्म उद्धव, न साधय तपस त्याग तथा भक्ति मम अर्जिता। कृष्ण कहते हैं उद्धव न साधयत माम योग, योग को द्वारा मेरे कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे को कोई कर्म को द्वारा मेरे कोई प्राप्त नहीं कर सकते, मेरे को कोई ज्ञान को द्वारा मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकते, तथा भक्ति मम अर्जिता। जैसे भक्ति को द्वारा मेरे को कोई है, भक्ति को द्वारा ही मेरे को कोई वशीभूत कर सकते हैं, भक्ति के बगैर मेरे को कोई और कोई वशीभूत कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने भक्ति संदर्भ में उन्होंने भक्ति को इतने दृढ़ रूप में उन्होंने स्थापन किया, इतने दृढ़ रूप में भक्ति को उन्होंने स्थापन किया। और भागवत में कहां कहां पर है, तद भागवत में उन्होंने दिखाया, हर संवाद में उन्होंने दिखाया भक्ति को कैसे सर्वोत्तम रूप में स्थापन किया। और भक्ति के बगैर जीव का कोई उपाय है नहीं, उन्होंने भागवत से उन्होंने हर संवाद में उन्होंने भक्ति की महिमा दिखाया। कौन कौन से संवाद में, बोले नारद और व्यास संवाद में उन्होंने दिखाया भक्ति, उसमें क्या बताया, बोले यथा धर्म दय सार्था तुमको जीवन में शांति क्यों नहीं मिल रही, कारण क्या, बोले कारण है तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के विषय में जैसे तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताए, कैसे तुमने भक्ति को ऊपर में तुमने भगवान की जो लीला चरित्र को नहीं गाया है, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में, जीव गोस्वामी कहते हैं हर संवाद में उन्होंने भक्ति का ही उन्होंने महिमा दिखाया, उन्होंने भक्ति को ही अभिधेयत्व रूप में स्थापन किया है। कहते श्री सुख परिचित संवाद में वहां पर भी उन्होंने भक्ति को ही उन्होंने अभिधेय रूप में स्थापन किया। बोले क्या कहते हैं, सबई फुन सांग परो धर्म जत भक्ति रथक सजे आहे तो की अप्रतिहता जय आत्मा संपर्शित है। इसलिए बोले सबई फुन सांग परो धर्म, पुरुष मात्र का ही यही सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, जत भक्ति रथक सजे अधक सज, जो भगवान को भक्ति करना है जीव का यही परम कर्तव्य जय आत्मा संप्रसिद्धति, जिसको द्वारा आत्मा संपूर्ण रूप में है शांति प्राप्त करता है। फिर उन्हें ब्रह्मा और नारद संवाद में उन्होंने दिखाया है, हैं ब्रह्मा और नारद संवाद में ब्रह्मा स्वयं कहते हैं उन्होंने समस्त शास्त्र को उन्होंने तीन बार समस्त शास्त्र को पढ़े, कौन बोले ब्रह्मा, तीन बार अच्छे तरह से शास्त्र को पढ़ करके उन्होंने सिद्धांत में क्या उपनीत हुए हैं, सिद्धांत में ये उपनीत हुए हैं समस्त शास्त्र में केवल भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ रूप में केवल भक्ति को ही स्थापन किया है। कहते विदुर और मैत्र संवाद में कहते वहां पर भी भक्ति को उन्होंने स्थापन किया है। कहते कपिल देव उपाख्यान में वहां पर भगवान कपिल देव भी अपना माँ को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले माँ कहते साधु संघ का महिमा उन्होंने दिखाया, अहो बद सपचो अतो गरियान, चंडाल होने पर भी अगर किसकी जीवा के अग्र देश में भगवत नाम अगर उच्चारण होता है उसको क्या समझो, पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया, सारे तीर्थ में पर्यटन कर लिया, सारे दान सारे यज्ञ सारे तपस्या कर चुका है, तभी इस जीवन में उसने भगवत नाम ग्रहण किया। इसलिए यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी भागवत में हर संवाद में हर जगह पर उन्होंने स्थापन करते हैं भक्ति की सर्वोत्तम। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ये भक्ति संदर्भ में उन्होंने भक्ति ही केवल भगवत प्राप्ति का उपाय
और कोई उपाय नहीं है। इसलिए उन्होंने चार संदर्भ में संबंध तत्व को और भक्ति संबंध में अविधेय तत्व और प्रीति संदर्भ में उन्होंने प्रयोजन तत्व को वर्णना करते हैं। कहते प्रहलाद वहां पर भी जब पिताजी ने पूछा तुमने क्या गुरुकुल में जाकर क्या विद्या अध्ययन किया, उन्होंने भी यही बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्य तितो। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण में शरणापन्न होकर के, गुरु जी के चरण में शरणापन्न होकर के जो ये नव विद्या भक्ति को जाजन करता है सर्वश्रेष्ठ विद्या। इसलिए प्रहलाद वहां पर भी यही बताए कहते श्री चित्र के तो उपाख्यान में भी है वहां पर भी बताए मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्य, वहां पर भी यही बात बताए है। इसलिए वहां पर भी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापन किया, मतलब अजामिल उपाख्यान में भी इतने बड़े हैं, इतने पाप करने पर भी अंतिम समय में केवल बेटा का नाम लेकर नारायण बोला तो उससे ही भगवत प्राप्ति, उससे ही भगवत प्राप्ति। इसलिए जितने सारे शास्त्र जीव गोस्वामी यहाँ पर उदाहरण देकर कहते हैं, कहते एक दुराचारी होने पर भी, एक असदाचारी होने पर भी भक्ति की इतने महिमा है, उस अखनो सभी दूर जथा, जैसे सूर्य उदय होने पर जैसे सारे अंधकार को दूर कर देता है, हृदय में अगर भक्ति रूपी सूरज उदय हो गया ना सारे अंधकार को ये दूर कर देता है। इसलिए कहते यहाँ पर बताते हैं भगवत भक्ति में सबकी अधिकार है, ऐसे नहीं केवल एक विद्वान पंडित ही भक्ति कर सकता है, एक मूर्ख नहीं कर सकता है। कहते भगवत भक्ति में सभी की, भगवत भक्ति में एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक विरक्ति, एक आसक्त चित्त, एक मुमुक्ष चित्त, ये साधक सिद्ध है नित्य पार्षद, यहाँ पर सब चीज में जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं भक्ति में सभी का ही अधिकार। भक्ति श्री कृष्ण भजने सब अधिकारी जाति कुलर विचार नहीं, कृष्ण भजन में सभी का अधिकार। इसलिए उन्होंने और भक्ति की सर्वत्र अवस्थिति है, भक्ति में सर्वत्र भक्ति की अवस्थिति है, दिखाते हैं जैसे पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रचति हैं। इसलिए भक्ति की सर्वत्र पत्र पुष्प फल भगवान क्या कहते हैं, भक्ति पूर्वक मेरे को जो प्रदान करके उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए भक्ति की सर्वत्र अधिकारी है, बोले सर्व इंद्रियों के द्वारा भी, सर्व इंद्रियों के द्वारा भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जाति विश्वद्रोह भी, ये भक्ति मार्ग की महिमा बता रहे हैं। कहते क्या श्रुत अगर कोई श्रवण करे, अनुपठित कोई पढ़े, अगर यहाँ भी नहीं हो सके आदर व अनुमोदन भी कर ले, क्या होता है सत्य पुनाति सद्धर्मम जाति विश्वद्रोह भी, विश्वद्रोह करने पर भी वो भगवत सत्य पुनाति सद्धर्मम उसी समय में ही सद्धर्म में आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कहते सर्व क्रिया को द्वारा, सर्व क्रिया को द्वारा ये भक्ति में, भक्ति की सर्वत्र अवस्थान सर्व क्रिया को द्वारा, बोले कहाँ पर, बोले जत करोसी जत स्नासी जस जोहसी तदासी जत जत तपस तत्गुरस धर्म। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अर्जुन तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो ग्रहण करते हो, क्या करो सब कुछ मेरे को अर्पण तुम क्या करो, बोले समस्त कामना में फल में, समस्त कामना की फल में भी भक्ति की है स्थिति है। बोले कहाँ पर, बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि ते प्रेण भक्ति जोगेन जजित पुरुषम परम। यहाँ पर कह रहे हैं क्या कह रहे, अकाम है, अकाम मतलब क्या है, अगर तुम्हारी कोई कामना वासना नहीं हो, सर्व काम सारी कामना वासना तुम्हारी हो है, यहाँ तक तुम्हें मोक्ष काम क्यों नहीं हो है। इसलिए सभी में यहाँ पर भक्ति की सर्वत्र अवस्था थी, बोले सर्व युग में भी भक्ति की अवस्था है, सर्व युग में कृते जत ध्यात विष्णु तृतया जजत मखे द्वापर परिचर्य मुकलोतर हरि कीर्तना। कहते हर युग में भी भक्ति की स्थिति है। कहते अगर कोई बोले है, हाँ कहते काल, काल के सृष्टि के आदि आदि में भी भक्ति था, बोले काल ने नष्टा प्रलय वानियम वेद सहित
मयादम ब्रह्मण प्रकृत क्या धर्म जैसे मदात्मक, इसलिए वहां पर भी कहते हैं यहाँ सृष्टि की है, कहते सृष्टि की आदि में भी भक्ति थी। कहते भक्ति अगर कोई बोले नहीं ये तो भक्ति केवल जवान में होता है बुढ़ापा में होता है जो बच्चे बचपन में नहीं होता है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं है? कहते बाल जौवन वृद्ध सब अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कौन कौन उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज बाल अवस्था में किया, बोले जौवन अवस्था में अम्बरीश महाराज किया है, मतलब मरते समय अजामिल किया। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में भक्ति को कितने महत्व देते हैं, भक्ति हर अवस्था में भक्ति को कर सकते हैं, हैं? इसलिए कहते कहते ये मरण काल में स्वर्ग और नरक में भी भक्ति कर सकते हैं। कहते यहाँ पर स्वर्ग में कहते स्वर्ग चित्रगत महाराज है, नरक में हैं? नरक में भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पता नहीं बहुत सारी चीज यहाँ पर दिया है जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में, इतने चीज उन्होंने बताया जीव गोस्वामी। इसलिए उन्होंने छह संदर्भ में क्या बताया, चार संदर्भ में संबंध तत्व को और भक्ति संबंध में अभिदय और प्रति संदर्भ में उन्होंने प्रयोजन तत्व को। इसलिए उन्होंने कहते श्री जीव गोस्वामी जो सारे ग्रंथ में ये जो तीन चीजें मिलती हैं संबंध अभिदय प्रयोजन, अगर कोई परिपूर्ण रूप में अगर किसी ने दिया है ना, बोले श्री जीव गोस्वामी ये छह संदर्भ को द्वारा दिया। और छह संदर्भ क्या है, कहते भागवत एक महल है, अगर महल में प्रवेश करना चाहते उसको दरवाजा क्या है, कहते ये सठ संदर्भ। और भागवत रूपी जो प्रेम सरोवर को उसमें कोई गंधा नाली प्रवेश नहीं कर जाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये छह संदर्भ रूपी प्राचीरी दृढ़ प्राचीर उन्होंने बनाया श्री जीव गोस्वामी। इसलिए इसलिए कहते ये छह संदर्भ जीव गोस्वामी बनाए। इसलिए कहते सर जीव गोस्वामी, इसलिए इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, मतलब क्या है, बोलो कौन बोले हा? और क्या करते हैं बोलो, अभी कितना जल्दी भूल रहे हो बड़ा पंडित। इसलिए कहते जीव जीवस्य जीवनम जीव पोषण पालन च है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जीव को ये भक्ति सिद्धांत तत्व सिद्धांत हाँ ये प्रेम सिद्धांत को दे करेगा, उन्होंने जीव को उन्होंने जो पालन किया है जो भरण पोषण किया है, जीव यति जीव जीव को जो जीवन प्रदान करते हैं ये श्री जीव गोस्वामी। इसलिए इनका नाम श्री जीव गोस्वामी नाम पड़ा। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये कौन सा आचार्य है, ये सिद्धांत का आचार्य जीव गोस्वामी, ये हमारी सिद्धांत का आचार्य श्री जीव गोस्वामी है। इसलिए ये कहते जो जीव गोस्वामी विशेष करके जीव गोस्वामी बहुत ग्रंथ बनाए, बहुत ग्रंथ उसमें एक हरिनामृत व्याकरण भी उन्होंने बनाए, क्योंकि उन्होंने देखा जैसे भक्ति जगत में जो आएगा, अभी तो सारे ग्रंथ तो संस्कृत है, अभी संस्कृत नहीं होगा तो कैसे शास्त्र कैसे पढ़ेगा, शास्त्र को समझेगा कैसे। इसलिए लेकिन जीव गोस्वामी ने देखा अगर जो सब छोड़ करके भक्ति जगत में आएगा, जैसे आयोन रिलीक आयोज हाय वर्ड कभी ये शंकर जी के डंबर से है, ये 14 सूत्र निकला है, ये 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने क्या किया, उन्होंने पाणिनि व्याकरण बनाया है, आयोज हाय वर्ड तरह तरह का। लेकिन उसमें भक्त लोग क्या चाहते हैं, हमारे समय बर्बाद नहीं हो, जो भक्ति में जिसको रुचि होगा वो तो यही चाहेगा ना, हमारे समय बर्बाद नहीं हो है, हर समय मुंह से भगवत नाम निकले। इसलिए श्री जीव गोस्वामी यह चीज को चिंतन करके उन्होंने हरिनामृत व्याकरण बनाया है, हरिनामृत व्याकरण बनाया, उसमें इतने सुंदर उन्होंने सूत्र बनाए, अद्भुत रूप में सूत्र बनाए। इसलिए उन्होंने जो नाम दिया है ना, जो उन्होंने जो स्वर वर्ण को है, स्वर वर्ण को उन्होंने नाम दिया सर्वेश्वर, और व्यंजन वर्ण का नाम दिया विष्णुजन। उसने जो सिद्धांत उसमें सिद्धांत भी दिया, आ से लेकर का अवतक उसका नाम लिया सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब क्या, सबका ईश्वर का जो ईश्वर है, और का से लेकर ख्या तक उन्होंने का नाम था विष्णुजन। विष्णुजन मतलब भक्त है, भक्त किसके अधीन में रहते हैं, भगवान के अधीन में। जैसे अगर का उच्चारण कर लेकिन जब तक आ नहीं होगा का नहीं बोल सकते हो, खा बोलने के लिए अ चाहे तो खा बोल सकते हो, क बगैर आ के तुम क बोल ही नहीं सकते हो। इसलिए भगवान सर्वेश्वर मतलब विष्णुजन ये
भक्त है, भक्त किसके अधीन में रहते हैं, भगवान के अधीन में। इसलिए मतलब उन्होंने जो सूत्र बनाया ना अद्भुत रूप में, इसने बोले उनका जो पहला सूत्र है नारायणात उद्भूत अयम वर्ण क्रम, जो वर्ण इसका जो क्रम है अगवाद आ आगवाद में ई, जो वर्ण और क्रम कहाँ से, भगवान से प्रकट हुआ है। इसलिए उसमें जो हरि खड़गा, हरि बणब, हरि गोपाल, हरि ऐसे सब नाम दे करके जब सूत्र को रटोगे सूत्र को, बस हरि खड़गा हरि बणब सब भगवान का नाम, नाम भगवान का नाम, इसको मतलब कितने विद्वता। तब कहते इन्होंने कहाँ से ये सूत्र मिला, कहते जीव गोस्वामी को काम मिला कहाँ से, बोले महाप्रभु से। बोले कब, बोले महाप्रभु से, गया से वापस आए, जब गया से वापस आकर जब महाप्रभु बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, सूत्र वृत्ति टीका सकल हरिनाम, महाप्रभु ने सूत्र वृत्ति टीका में सर्वत्र उन्होंने हरिनाम हरिनाम को व्याख्या किया है। बोले संधि क्या है, संधि किसको कहते हैं, है बोले मन संधि विधियते, संधि दो चीज मिलकर संधि होता है ना, दो चीज मिलकर संधि होता है, लेकिन ये यहाँ पर दो चीज क्या, बोले एक भगवान का चरण, दूसरा भक्तों का मन। ये मन रूपी भगवान के चरण में अगर संधि हो जाते हैं ना, मैं मन संधिर विधियते प्रभु, हमारे मन जैसे तुम्हारे चरण में लग जाए, बस ये संधि हो गया तो जीवन कल्याण हो। इसलिए धातु है शरीर में, अगर धातु नहीं रहेगा तो शरीर खत्म, धातु रूप में कौन बैठे हृदय, भगवान ही बैठे हैं। इसलिए अद्भुत रूप में उन्होंने व्याकरण महाप्रभु व्याख्या कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। जब कुछ टीचर ने उनको गुरुजी गंगादास को उन्होंने कंप्लेन किया, महाप्रभु जब से गया से वापस आए तो बसे पता नहीं तो व्याकरण पढ़ा ही नहीं रहे, वो तो ग्रंथ खोलते ही कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण बोलते रहते। महाप्रभु पंडित गुरु जी ने बताया, बोले बेटा बड़े भाग्य से बच्चों को ही पढ़ाते हैं, साधारण भाग्य से ज्ञान कोई नहीं दे सकते, कितने भाग्य तुम्हारे वंश में सब पंडित हैं, बेटा बच्चों को ज्ञान दिया करो। गुरुदेव ने समझाया, बोले ठीक है गुरुदेव, गुरुदेव तो कुछ बोले नहीं, और उसी दिन क्लास में आकर के बोले मैं जो व्याख्या किया जगत में, किसका हिम्मत हो आकर के इसको खंडन करे, है किसका हिम्मत हो आकर के मैं जो कहता हूँ खंडन करे। फिर उन्होंने कृष्ण कृष्ण पर है फिर उन्होंने व्याख्या किया, कहते वही सही, कहते श्री सनातन गोस्वामी सबसे पहले लघु हरिनामृत व्याकरण बनाया छोटे रूप में, लेकिन बाद में जीव गोस्वामी ने देखा ये सबसे नहीं है। अगर अच्छे तरह से संस्कृत में अगर किसी को ज्ञान हो, बढ़िया से ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बृहद रूप में फिर हरिनामृत व्याकरण बनाया, अद्भुत रूप में इस व्याकरण को बनाया जीव गोस्वामी ने। हमारे संप्रदाय के लिए उन्होंने क्या नहीं किया उन्होंने, इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी है विशेष करके श्री जीव गोस्वामी कहते दो बार उन्होंने दो पंडितों को परास्त किया। एक बार था कि दिग्विजय पंडित को उन्होंने परास्त किया है, दिग्विजय पंडित दो श्लोक है मेरे याद है ही नहीं, बहुत बढ़िया श्लोक उन्होंने दे करके कैसे उन्होंने पंडित को उन्होंने परास्त किया था। पंडित गाजे बाजे को साथ में जिसको हरा देता था उसको अपना चेला बना करके हाथी घोड़े को साथ में गाजा बाजे को साथ में जब चलता था एकदम ढलका बजता था उस समय में है सारा दुनिया, पहले यही था, पहले सब चीज नहीं था, अभी जो तरह तरह का जो सब्जेक्ट पहले था नहीं, केवल एक संस्कृत ऊपर में सब कैसे पढ़ते थे है, थोड़ी सी साइंस वाइंस और थोड़ी सी अंक भी अंक था है, इतना पढ़ते थे पहले संस्कृत ऊपर भी विचार ये तर्क वितर्क ये सब होता था। इसलिए सारा दुनिया को जय करते करते जब उन्होंने वृंदावन धाम में आए तब उन्होंने सुना यहाँ पर श्री कोई एक है जीव गोस्वामी बहुत बड़ा धुरंधर पंडित है, अगर इनको मैं परास्त कर दूं ना बस इनका भी जय पत्र हमें प्राप्त हो जाएगा, जय पत्र मिलेगा। उस समय जीव गोस्वामी बोलते स्नान कर रहे थे है? जब स्नान कर रहे थे उसी समय में ही वो विद्वान आए और उनको साथ में शास्त्र में बात करते 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 उन्होंने जीव गोस्वामी उनको परास्त कर दिया है, उन्होंने परास्त कर दिया। वहां पर दो श्लोक है, श्लोक में संग्रह करके बाद में बोलूंगा कौन सा श्लोक से जीव गोस्वामी उनको उन्होंने परास्त किया। एक श्लोक था उसका मतलब ये होता है जीव गोस्वामी स्नान करके जब चले आए इतने में नियम है ब्राह्मण लोग स्नान करने के बाद सूर्य को पानी देते, सूर्य को नियम है सूर्य को पानी देना नियम है, लेकिन जीव गोस्वामी स्नान कर जब आए इतने में पंडित सोच रहा था यहीं पर उनको बात बात में परास्त कर दे है। बोले कैसे पंडित जी आप स्नान किया
लेकिन आपने तर्पण नहीं किया, सूर्य को पानी नहीं दिया, हैं, प्राणी नहीं दिया। इतने में वो कहते हैं, कहते हैं ये जब हृदय में भगवत भक्ति प्रकटित होता है, प्रकटित भक्ति होते ही कहते अज्ञान रूपी जो दुही था, जो लड़की जो दुही था, वो हृदय से खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और ऐसे मेरी याद नहीं है, बहुत बढ़िया उसमें दो श्लोक था, है, मैं बाद में उसको संग्रह करके आपको बताऊंगा क्या दो श्लोक उन्होंने बोले। वो पंडित दो श्लोक बोले, दो श्लोक में उन्होंने कैसे उनको तर्क वितर्क कैसे उन्होंने खंडन कर दिया था। फिर एक बार और दूसरा बार उन्होंने किया, जिस समय श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, इतने बल्लभाचार्य साधारण व्यक्ति नहीं की बल्लभाचार्य, उन्होंने ऐसे मायावादों खंडन किया है ना, जिनको 108 स्वर्ण कलश में जिनको अभिषेक किए गए थे, इसलिए उन्होंने भागवत टीका लिखा जिसका नाम सुबोधनी। नाम तो सुबोधनी लेकिन वो दुर्बोधनी है, कहते सुबोधनी नाम करेगा सुबोधनी है, लेकिन संस्कृत में बहुत ये बड़े, हाँ, ये बड़े धुरंधर विद्वान थे, बड़े धुरंधर। महाप्रभु को अपना घर में ले गए थे, महाप्रभु को उन्होंने सेवा किया है, हैं, इसलिए जब लिख रहे थे रूप गोस्वामी, इतने में वो आए बल्लभाचार्य, बोले रूप तुम क्या लिख रहे हो, बोले भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन उन्होंने देखा मंगलाचरण में लिखा भुक्ति मुक्ति प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते, कहते ये भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची जब तक हृदय में रहते हैं तावत कृष्ण भक्ति सुख से कथम अद्भुत भवेत, तब तक ये कृष्ण भक्ति कहाँ हृदय में प्रकट हो सकता है, जब तक हृदय में भोग की है भुक्ति की इच्छा रहेगी। बोले ये तुमने क्या लिखा मंगलाचरण श्लोक में कि भुक्ति मुक्ति को तुमने पिशाची को साथ में है पिशाची को साथ में तुम उदाहरण दे दिया। अरे ज्ञानी लोग मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कितने कठोर साधन करते हैं, और कोई शब्द नहीं था। उन्होंने बोले देखो जब ग्रंथ समाप्त हो जाएगा ना मेरे को थोड़ा दे देना, मैं देखना तब करेक्शन कर दूंगा। जीव गोस्वामी बैठ कर हवा कर रहे थे, इतने में जीव गोस्वामी को देख करके तो उनको एकदम सारा शरीर जल उठा है, सारा शरीर एकदम आग लग गई। बोले रूप गोस्वामी ग्रंथों के ऊपर में करेक्शन करेंगे, गलत किसको होता है, बद्ध जीव का गलत होता है, लेकिन ये मुक्त महापुरुष कहा राधा रानी की मंजरी रूप मंजरी कहा नित्य सिद्ध परिकर है, और इनकी ग्रंथ में ये दोष देख रहे हैं। इतने में जब वो जमुना में गए बल्लभाचार्य, इन्होंने क्या किया, बोले गुरुदेव मैं आता हूँ, बस गुरु जी के पास प्रणाम कर गए। तो उन्होंने पूछा अपने क्या देखा रूप गोस्वामी की ग्रंथ में, आप करेक्शन करना चाहते, बोले हमने देखा वहां पर कह रहे भुक्ति मुक्ति प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची हृदय में रहेगा भक्ति कहाँ प्रकट हो सकता है। भुक्ति मुक्ति को जो ज्ञानी लोग इतने कठोर साधन करते पाने के लिए उन्होंने पिशाची शब्द उन्होंने बता दिया, ये थोड़ी सी मेरे गड़बड़ लगा। बोले पंडित जी उन्होंने भुक्ति मुक्ति को नहीं बताया, उसका जो स्प्रिया को उन्होंने जो इच्छा है उन्होंने भुक्ति मुक्ति को स्प्रिया को इच्छा को उन्होंने बताए। तब जीव गोस्वामी को टीका लिखते हैं, टीका में ये लिखते हैं उदाहरण देते हैं जैसे किसको ऊपर भूत लग जाए, देखा हो गाँव में किसको ऊपर भूत लगते हुए, मैंने देखा है, जैसे जिसको ऊपर भूत लग जाता है ना, देखना एक एक आदमी 10-10, 15-15 व्यक्ति का खाना खा लेगा, घड़ा का घड़ा एकदम हमारे देश में पड़ा बनता है ना, बड़ा घड़ा पी लेता है, इतने बड़े घड़े हैं, और जब जाता है छोड़ करके इतने बड़े घड़ा में पानी दांत में पकड़ करके जाता है, और लोहे को गर्म करके उसे दांत में पकड़ करके जाता है, बड़ा अद्भुत है। इसलिए हमारे गाँव में हमने देखा है, इसलिए 10-15 आदमी को खाना खा लेगा, लेकिन धीरे धीरे देखो उसका शरीर धीरे धीरे दुबला पतला होता जाएगा, शरीर धीरे धीरे दुबला पतला, कारण क्या, इतना खाता है जाता है क्या, उसका हृदय में जो भूत बैठा है वो सारे भूत ही खा रहा है, और ये व्यक्ति धीरे धीरे दुबला पतला। कहते उसी तरह जीव गोस्वामी उदाहरण, अगर भुक्ति और मुक्ति अगर किसके हृदय में बैठा हुआ, अगर भक्ति कर रहा है, देखने के लिए तो भक्ति कर रहा है, इसलिए ज्ञानी लोगों को देखो खूब भागवत कथा करते हैं, खूब पूजा सेवा करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। बोले क्यों, बोले स्प्रिया रूपी जो पिशाच हृदय में बैठा हुआ है, ये जितने श्रवण कीर्तन कर रहे उसको मिल रहा है, उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा हैं। इसलिए मुक्ति तो भगवान कहते दीयमान बिना गृह्णति मत सेवक मत सेवन बिना, मुक्ति देने पर भी भक्त लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए नरक बांछा ही तो साजू जो ना चाहे, कहते नरक चले जाएंगे अच्छा, लेकिन हमें मुक्ति
नहीं चाहिए तथा पतंति अनादृत जुष्म अंग्रय। भगवान के चरण कमल को अनादर करने का नाते बड़े उच्च पद को प्राप्त करने पर भी पतन होता है। उन्होंने इतने उदाहरण दे करके बोले बोले ये तो देखने में छोटा बच्चा लग रहा है, बड़ा बड़ा धुरंधर है, हाँ बड़ा तेज है। फिर उन्होंने जो वापस आए फिर आए हाँ करे बोले रुको स्वामी बोले आपको पास में छोटा सा बच्चा बैठा था कौन है? बोले मेरे भैया का भैया की बेटा अनुपम, कहते तीन भाई थे अनुपम का ये बेटा है। बोले मेरे भैया की बेटा, बोले बड़ा धुरंधर है बड़ा विद्वान है। बोले रूप तुमको उसको संशोधन करने का जरूरत है, जो लिखा सही। रूप गोस्वामी समझ गए ये गया था पीछे पीछे कुछ खुराबात करके आया है, ये कुछ गड़बड़ी करके आया। फिर तो उन्होंने शिक्षा जगत को शिक्षा देने के लिए बोले तुमने नियम क्या महाप्रभु क्या कहते त्रिनाद अभी सुनी जय सदारी हर समय दूसरों को सम्मान देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। कोई वैष्णव ठीक है वो अपना प्रतिष्ठा चाहते हैं, उसमें क्या हो गया? अगर किसको हमने प्रतिष्ठा दे दिया तो हमारा क्या हानि हो गया? इतना चीज तुम सहन नहीं करना, तुम जाओ चले, जरूरत नहीं आ रहा। तब तो वो बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर कहाँ गए? बोले भयगाम। बोले भयगाम किसको कहते हैं? हमने कभी गया था, गुरु जी के साथ में लेकर गए थे, केवल पांच छह भक्त लोग हम गए थे, केवल गए थे। वो भाई गांव है, जब नंद बाबा जहाँ एकादशी व्रत किया द्वादशी का दिन जब सवेरे सवेरे उन्होंने स्नान करने के लिए गए थे, वहीं से वरुण लोक में उनको पकड़ कर ले गए थे। उसका नाम भाई गांव है, वहीं पर जहाँ पर मगरमच्छी जहाँ पर यमुना किनारे में रेती में जहाँ पर वो अपना आकर के सोते ही घर बना देते, उसी में रह करके जीव गोस्वामी भजन करते थे। और क्या खाते थे? कहते रात को घोल करके उसको पी लेते थे, भूख लगता था, किसको कभी मांगते नहीं थे और दिन रात रोते थे। बोले वहीं पर रहते समय उन्होंने ये षट संदर्भ ग्रंथों को उन्होंने रचना की थी। इसलिए जब सनातन गोस्वामी को पूरा ब्रजमंडल में बड़े बाबा बोलते थे, जब से सनातन गोस्वामी आए तब उनको बोले गाँव के लोग बोले बाबा आप तो बड़े बाबा हो लेकिन एक छोटे बाबा हमारे गाँव में आए हैं, छोटे बाबा आप तो घर से मांग करके रोटी नहीं तो थोड़ा सी चून तो मांग करके ले लेते हो, ऐसे बाबा आए ना वो किससे मांगते नहीं और राख को घोल करके पी लेते। सनातन गोस्वामी बोले यार राख को घोल करके ऐसे किसका हिम्मत है, राख को घोल कर कौन पी सकता है, हैं राख को घोल कर कोई पी सकता है थोड़ी, इतना ये नहीं राख को कोई हजम कर ले है। इसलिए बोले बोले कहाँ वो बाबा है? बोले ले चलो बुलाओ दिखाते बाबा को, और आप तो कुटिया में रहते हो, वो तो जहाँ मगरमच्छ रहते वहां रहते। बोले बाबा चलो आकर देखा ना सर जीव गोस्वामी है एकदम शरीर दुबला पतला हो गई, विरह में दिन भर गुरु जी की विरह में दिन भर रोते रहते थे। फिर वहां पर आकर के फिर जीव गोस्वामी को उन्हें साथ में लिए, फिर रूप गोस्वामी के पास में आए। बोले रूप ये बताओ महापुरुष किसका शिक्षा किया है? बोले जीवे दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवन है, जीव को दया करनी चाहिए कृष्ण नाम करो और वैष्णव का सेवा करनी चाहिए। बोले जीव को दया करनी चाहिए, जीव क्या जीव नहीं है? महाप्रभु कहते ना जीव को दया करो, ये जीव क्या जीव नहीं है, इसको पर क्या दया नहीं करनी चाहिए? तुमने इसको त्याग दिया है और ये इतना दुखी होकर देखो इसका शरीर कैसे हो गया, कितने दुबले पतले। जब भक्ति रसामृत से दुबला तक खत्म हो गया था लेकिन ये जीव को संसारे ग्रंथ करेक्शन करते थे, संस्कृत में बड़ा विद्वान थे ना, इसलिए रूप गोस्वामी सोच रहे थे जीव चला गया अभी उसको कैसे ग्रंथ को संशोधन करेगा, अगर कोई याद करते थे बीच बीच में। फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को अपना शरण में लिया, फिर उन्होंने अपराध माफ किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं फिर ये जीव गोस्वामी क्या जीव गोस्वामी फिर क्या गड़बड़ी किया था, क्या अपराध किया था ना रूप गोस्वामी ने कुछ गड़बड़ किया? बोले कुछ भी दोनों के अंदर में, क्योंकि दोनों ही मुक्त महापुरुष है, ये दोनों के अंदर में कुछ भी गड़बड़ी नहीं, लेकिन लोग शिक्षा के लिए मैंने किया। एक में तो रूप गोस्वामी क्या शिक्षा दिया, रूप ये शिक्षा दिया अगर किसी कोई दूसरे वैष्णव आए उनको सबको जथा योग्य। इसलिए कहते ना गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़ बनवाजी गुरु में दिया से स्थान, आज्ञा दिले मोरे यही ब्रजवासी हरिनाम, किंतु कवि प्रभु योग्यता अर्पित एदास दया करी। उसमें क्या था ना क्या देहन अथवा जथा जथा सकले सम्मान करीते सकती देह नाथ जथा जथ
तबे त गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हतो। इसलिए गुरुदेव आप कृपा करो, जो जैसे व्यक्ति उसको ठीक वैसे हम सम्मान दे करके अपराध से दूर होकर के जैसे भजन कर सके, ये भक्ति मनु ठाकुर का। इसलिए रघु गोस्वामी ने ये शिक्षा दिया, लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या शिक्षा दिया? जीव गोस्वामी ये शिक्षा दिया, अगर शिष्य रहते समय अगर कोई आकर के हमारे गुरु जी को कोई अपमान करते हैं, है इसमें बताए ना, कोई अगर गुरु जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए और गुरु जी की अपमान नहीं सहन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? उनका जीवा तक भी काट देनी चाहिए, ये शास्त्र बताया। और इसलिए जीव गोस्वामी रहते हुए उनका गुरु जी को कोई आकर के अपमान करके जाए, ये नियम नहीं। गुरु जी की अपमान को हम सहन कर ले, है गुरु जी का अपमान को हम सहन कर ले, ये जीव का उचित नहीं। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया है, उन्होंने पीछे पीछे गए उनको परास्त किया, ये जीव का कर्तव्य है। कभी गुरु जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, गुरु जी के अपमान को कभी सहन नहीं करनी चाहिए। करोगे तो कहते सवस्त्र में जाकर गंगा में स्नान करो, है स्नान करनी चाहिए। इसलिए इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने सही काम किया है। जीव गोस्वामी ये जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने सही काम श्री जीव गोस्वामी ने किया है। दोनों 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 ही जगत को शिक्षणीय वस्तु दोनों ही दिया है। इसलिए कहते हैं श्री जीव गोस्वामी ने, कहते इनके ऊपर में तीन अपवाद है। हाँ, क्या 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 अपवाद है? तीन अपवाद। कोई कोई लोग कहते हैं, है कहते इनके अंदर में त्रिनाथ सुनिज भाव नहीं है, इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य को पीछे पीछे बोले नहीं, इनके अंदर में यही इसको ही त्रिनाथ अभी सुने। कब हनुमान के अंदर में त्रिनाथ सुनिज नहीं था? लंका जला दिया जाकर लंका जला के, हाँ हमारे प्रभु के ऊपर में अगर कोई आग उठा करके देखे माता जी के ऊपर में क्या कर लंका को जला कर आग, यही त्रिनाथ अभी सुनिज नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं त्रिनाथ अभी सुनिज का मतलब नहीं कोई हमारे गुरु जी की निंदा कर रहे, कोई वैष्णव निंदा ठाकुर को निंदा किया सुनकर चले आए, नहीं ये त्रिनाथ अभी सुनिज नहीं है। है? जैसे हमारे आचार्य जी केसरी भक्ति प्रज्ञान कैसे वो आचार्य केसरी एकदम शेर जैसे, अगर भक्ति के प्रतिकूल अगर कोई कथा बोले प्रभुपाद को ऊपर में कोई अगर अंगुल उठाए ना, उसी समय में उसका प्रतिवाद करते थे, नहीं छोड़ते थे, प्रतिवाद करते थे। इसलिए इसको ही त्रिनाथ भी सुनिश्चित कहते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव का निंदा सुन लिया चुपचाप रह गए, कहते नहीं इसको दर क्या होगा, इसको दर वैष्णव अपराध गुरु अवज्ञा हो जाता है इसको दर। इसलिए इनका दर सही त्रिनाथ भी सुनिश्चित। दूसरा चीज कोई इनको ऊपर कहते हैं, कहते श्री जीव गोस्वामी उन्होंने जो परिज्ञा रस है ना, परिज्ञा बात को उन्होंने खंडन किया है, परिज्ञा बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गोपाल चंपू एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में उन्होंने राधा कृष्ण का विवाह को उन्होंने वर्णन किया है, वर्णन किया। इसलिए उन्होंने परिज्ञा रस जो रस है इसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने सकिया रस को स्थापन किया, बोले नहीं। इसलिए जीव गोस्वामी कौन है? बोले हमारे संप्रदाय का ये सिद्धांत का आचार्य है। सिद्धांत का आचार्य होने का नाते तुम लोग को पता होगा, कुछ दिन पहले कोई एक कोई फिल्म क्या निकाला है, उसमें क्या एक 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 कृष्ण और उसका तीन भाई, उसका भाई गर्लफ्रेंड थे, हैं गर्ल तीनों गर्लफ्रेंड थे, हैं कृष्ण लीला ऐसे करके बड़े उल्टा पुल्टा उन्होंने कृष्ण को ऊपर लिखे, हैं उन्होंने कोई निकले एक कृष्णा का तीन गर्लफ्रेंड थे, उल्टा पुल्टा बोले उल्टा पुल्टा लिखे, हैं। इसलिए कहते हैं जीव गोस्वामी हमारे चूंकि संप्रदाय का ये सिद्धांत आचार्य है, इसलिए कलयुग में जो जो परिज्ञा रस है ये चीज को साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते, है परिज्ञा रस कहते किसको, सकिया रस क्या चीज है? इसलिए साधारण व्यक्ति कृष्ण के चरण में अपराध नहीं कर बैठे। इसलिए देखो जैसे हम जाते हैं भांडेरी भट्ट में, ब्रह्मा जी राधा कृष्ण शादी कराया थे कि नहीं, जैसे संकेत है वहां पर ही ब्रह्मा जी ने शादी कराया, राधा कृष्ण को उन्होंने शादी उन्होंने कराया है, शादी कराया। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे यहाँ पर दो पति पत्नी रहते, शादी पुरी में हो गया, पुरी में रहते, लेकिन उसका पति नौकरी करता है, अभी इनके ट्रांसफर हो गया, माना कलकत्ता ट्रांसफर हो गया, लेकिन जब यहाँ से पति फिर पत्नी को लेकर कलकत्ता जाएगा फिर दोबारा क्या शादी करेगा? फिर करेगा, फिर उनको बम्बे हो गया फिर ट्रांसफर, फिर बम्बे में जाकर दोबारा शादी करेंगे? नहीं, एक बार जब इनकी शादी यहाँ हो गई फिर और कहीं शादी करने का जरूरत नहीं। उसी तरह राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में
नित्य निरंतर प्रिया प्रियतम रूप में नित्य विलास करते गोलक वृंदावन, जरूरत नहीं यहाँ आकर फिर दोनों शादी करें। इसलिए चीज को नहीं समझे, इसलिए यहाँ पर वहां पर भांडरी वट में ब्रह्मा फिर शादी करवाया। इसलिए जीव गोस्वामी दिखाए गए इसे ब्रह्मा जी ने कि शादी कराया राधा कृष्ण क्यों, जो ये परिज्ञात चीज को समझ नहीं सकते हैं, ये भगवान ऊपर भी अंगुल नहीं उठाए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने ये चीज को उन्होंने दिखाया कि हमारे संप्रदाय का ये सिद्धांत का ये आचार्य है। तीसरा जो है, कोई भी कहते हैं श्री जीव गोस्वामी जिस समय देखा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखे, उन्होंने क्या किया और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लेकर कुएं में फेंक दिया। जीव गोस्वामी ने कुएं में लेकर फेंक दिया, कुछ लोगों को कहना है इसलिए, क्योंकि उन्होंने तो कहा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पावारी क्या रस ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ है। इसलिए कृष्णदास कविराज रसर भंडारी राखिलेन स्वर्ण कुंभ भरी हेम्ब कुंभ भरी, मतलब जो चैतन्य चरितामृत कहते हैं सोने की एक कलसी है जिसमें उन्होंने चैतन्य चरितामृत रूपी ग्रंथ को उन्होंने उसका अंदर में प्रेम को भर करके रखा, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए कोई कोई कहते जीव गोस्वामी का सहन नहीं हुआ, उन्होंने लेकर कोई भी फेंक दिया। कुछ लोगों का लोग कहा बताए हैं, कहते नहीं ऐसे नहीं, क्यों जीव गोस्वामी कौन है, राधा कृष्ण विलास ईर्ष्या द्वेष हिंसा कहाँ पर रहता है, ये बद्ध जीवों का अंदर में रहता है। बद्ध जीवों का अंदर में ईर्ष्या द्वेष कलह, ये बद्ध जीव का अंदर में ये सब चीज रहती है, मुक्त महापुरुष का अंदर में चीज नहीं रहती है। वो साधन अवस्था में ही प्रारब्ध अपराब्ध बीज कूट वो साधन अवस्था में सारी खत्म हो जाती है, ये चीज खत्म हो जाती है। इसलिए ये नित्य नित्य परिकर के अंदर में ये चीज नहीं, वो तो स्वयं परिपूर्ण है ब्रह्मानंद में कृष्ण आनंद में वो डूबे हुए। ऐसे इनको ऊपर में गुरुदेव कहते थे तीन अपवाद, उनको ऊपर में तीन अपवाद है, लेकिन नहीं जो अज्ञान लोग हैं उनको ऊपर में ये अपवाद करते। इसलिए विशेष करके इनका तीन शिक्षा शिष्य हुए हैं नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास, इन्होंने ये तीनों इनका कोई शिष्य नहीं थे, इनका कोई शिष्य नहीं थे, तीनों ही अलग अलग शिष्य है, लेकिन उन्होंने तीनों को ही अपना उन्होंने सारे सिद्धांत तत्व में शिक्षा दिया और तीन दिशा में भेजा। नरोत्तम ठाकुर को मणिपुर में भेजा, श्यामानंद प्रभु को हमारे उड़ीसा में भेजा और श्रीनिवास प्रभु को उन्होंने बंगाल में भेजा। तीन शिष्य बनाया, तीनों दिशा में उन्होंने भेजा और तीन दिशा में उन्होंने जाकर के तीनों ने क्या हमारे गौड़ीय विचार को स्थापन किया। हमारे जो उड़ीसा में जो अभी प्रचार है जहाँ गाँव का अभी मंदिर होगा, ये किसने आकर किया था, श्री श्यामानंद प्रभु, इन्होंने आकर गाँव में उड़ीसा में प्रचार किया है महाप्रभु की धारा। जैसे बंगाल में श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर जाकर के उन्होंने मणिपुर में अद्भुत रूप में प्रचार किया है। इसलिए इनका तीन जो तीन शिक्षा शिष्य थे अद्भुत रूप में उन्होंने जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। इसलिए आज श्री जीव गोस्वामी का आज श्री आविर्भाव तिथि है और श्री वामन देव का आज श्री उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। इसलिए वामन देव बलि महाराज के ऊपर में बड़ी कृपा की, उनको बड़े आशीर्वाद दिया महाराज, तो उसको एक कथा को थर 5 दिन तक कथा करते हैं। श्री वामन देव की, श्री बलि महाराज की, श्री जीव गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंद सही सुनिए।